छोला बनाने के लिए है, उजला वाला छोला लिए हैं। देखिए 250 ग्राम लिए हैं। इसे हम 4 घंटा पहले गर्म पानी में भिंगा कर रख दिए थे। इस तरह मेरा भींग गया है। अब ये कुकर में हम डाल के इसे उबाल देंगे। इसको लिए देखिए मेरे ये सब लिए हैं, एक छोटा टमाटर काट लिए हैं, ये इतना अदरक है 1/2 इंच, इतना लहसुन है, एगो हरा मिर्च है, 3 गो प्याज काट लिए हैं। देखिए अब हम छोला के उबालने के लिए 1 गिलास पानी डाल देते हैं। अब इसमें बंद चढ़ा के अब इसको हम बंद करके 3 सीटी लगा देंगे। हमें छोला उबाल लिए हैं, अब इसे हम इसे खोल रहे हैं। देखिए अब आप लोग के दिखा रहे हैं कि किस तरह हम उबाल लिए हैं। देखिए इस तरह एकदम कितना बढ़िया हो गया है। अब इसे निकाल के हम सब मसाला तैयार करके हम इसे तैयार कर लेते हैं। छोला को हम इसे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब 2 मिनट में गर्म होगा तो इसमें तेल डालेंगे। 1 चम्मच हम तेल डाल रहे हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ज़्यादा तेल में नहीं पकाएंगे हम, थोड़ा ही तेल में पकाएंगे। थोड़ा सा जीरा डाल दिए, 1 थोड़ा लाल मिर्च डाल देते हैं, इस तरह थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद ये वो हरा मिर्च डाल देते हैं। पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च को पका लेते हैं। तो हम इसमें प्याज डाल देते हैं। देखिए इस तरह हम प्याज डालकर इसे थोड़ा सा लाल कर भून लेते हैं। और फिर इसमें कुछ डालेंगे, थोड़ा सा हल्का लाल हो जाएगा। देखिए मेरा प्याज अब लाल हो गया है। अब इसमें हम मसाला डालने जा रहे हैं। इस तरह देखिए इसमें मिर्चा है, धनिया है, सब डाल के पिसा हुआ है, जीरा गुलकी सब कुछ डाल के पीस लिए हैं। पीस के हम इसे डाल दिए हैं। इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे। देखिए टमाटर भी डाल देते हैं ऊपर से, सबको डाल के 2 मिनट तक भूनेंगे। इसे देखिए मेरा मसाला अब तैयार हो गया है। अब इसमें हम छोला डाल के 2 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें सब नमक हल्दी सब डाल देंगे। अभी नमक नहीं डाल, देखिए स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा, जो जैसा खाते हैं उस तरह से करेंगे। देखिए अब 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम थोड़ा खौला देते हैं। देखिए अब इसे हम ढक देंगे, पानी देके ढक के इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। अब हम इसे उभार के दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह का तैयार हो गया मेरा छोला। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता डाल देते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया हो गया।